लोग वहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं बिल्कुल, और लगातार जो सुरक्षा बलों को यहाँ पर सफलता। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में हमें बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, केरल और तमिलनाडु, इसमें से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये तीन राज्यों में मतदान हो चुका है, कुछ बाकी है, परंतु जो शुरुआती ट्रेंड मिले हैं दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसके कारण हमारा 400 पार का लक्ष्य हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे, ये हम सबका विश्वास बना है। मित्रों, आप जैसे जानते हैं कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। हम 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ की सरकार चला रहे हैं। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह इमरजेंसी डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने में नहीं किया। इमरजेंसी डालने के लिए, लोकसभा का टर्म एक्सटेंड करने के लिए, संविधान बदल करने में नहीं किया। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने में किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में किया, अंग्रेजों के कानून बदलकर भारतीय संस्कार और भारतीय पद्धति के कानून लाने में किया, कोरोना के खिलाफ लड़ने में किया और जब कोर्ट से जनादेश मिल गया तो राम मंदिर के निर्माण में भी हमारी सरकार ने पूरी अनुकूल जमीन तैयार करने में अपनी भूमिका करी। कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की है। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी
स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है, और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर एसटी एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। मित्रों, उनकी हताशा निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किए। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है, सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम है। लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलरेट कर फर्जी टाइप का जनसमर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। भाइयों और बहनों, मेरी आप सबसे करबद्ध निवेदन है, सत्य को जनता तक पहुंचाइए। जनता को गुमराह जो करना चाहते हैं उनको अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। फेक वीडियो सर्कुलेट कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में झूठे तरीके से रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। एक मिनट के लिए ये वीडियो, दोनों ओरिजिनल वीडियो और फेक वीडियो, मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद में आपसे सवाल जवाब लेंगे। धन्यवाद। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी, आवाज आवाज भाई, तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भाई फिर से करना पड़ेगा, आवाज नहीं है। तेलंगाना के मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर बंद करो भाई, आवाज ठीक करो, पहले सवाल जवाब कर लेते हैं, बाद में वीडियो दिखाते हैं। वैसे आप सबने देखा हुआ ही है। आपने चूंकि कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तो राजनीति का स्तर नीचे गिरता गया है। उनकी जो सीट थी राहुल गांधी की अमेठी, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, और उनकी मां जहां से रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, दोनों सीट में ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कन्फ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं, मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। मैं यहाँ अभी रहने दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बंद करो भाई, तो एक गैर जी अमित जी, कांग्रेस ने कहा है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिस्टोर करेगी अपने मैनिफेस्टो में,
देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर अपना बचा खुचा जनाधार संभालना चाहती है, बचाना चाहती है, समेटना चाहती है। पर्सनल लॉ हमारी संविधान सभा ने देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश किया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो इस देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे, वहीं यह निर्णय हुआ था, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून ठीक नहीं है। फिर भी आज ये जानते हुए भी संविधान के स्पिरिट से बिल्कुल उल्टा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हमें प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए और हर धर्म के नागरिकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो। नारा लगा रहे हैं, उसमें लक्ष्य रखे हैं, उसमें कर्नाटक की बात भी आपने कही है। कर्नाटक में आपके सहयोगी जेडीएस के एक नेता रेवन्ना के कई आपत्तिजनक वीडियो का दावा कांग्रेस कर रही है और उसको लेकर आप लोग पर भी आरोप लगा रही है कि उनका बचाव कर रहे हैं। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है, ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं, और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए, कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। गृहमंत्री जी, एक कांग्रेस फेस्ट में जो सिविल कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक बात उठाई गई है कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी मुस्लिमों को के लिए स्थान दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीतने के डेस्परेशन के अंदर सामान्य विवेक भी खो चुकी है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो कौन फर्स्ट लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। किसका काम करने का अनुभव है नहीं है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। पास्ट में कैसा काम किया है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर एक धर्म को दाखिल करना चाहते हैं
तो मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में भी आपकी कोई रिजर्वेशन की माइनॉरिटी की योजना हो तो उसके घोषित कर दीजिए, इतना ही बचा है अब। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि 100 दिनों के अंदर वो एक बड़े फैसले लेने वाले हैं, उनकी सरकार कई बड़े फैसले। विकास जी, 100 दिन होंगे मालूम पड़ जाएगा, हम ही जीत कर आने वाले, थोड़ी क्यूरियोसिटी को शांत करिए। चलिए, मेरा सवाल ये है, क्या कुछ नहीं निकलेगा भैया, क्यूरियोसिटी शांत रखो। समान नागरिक संहिता, अमित जी मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि 100 दिनों के अंदर वो एक बड़े फैसले लेने वाले हैं, उनकी सरकार कई बड़े फैसले। विकास जी, 100 दिन होंगे मालूम पड़ जाएगा, हम ही जीत कर आने वाले, थोड़ी क्यूरियोसिटी को शांत करिए। चलिए, मेरा सवाल ये है, क्या कुछ नहीं निकलेगा भैया, क्यूरियोसिटी शांत। समान नागरिक संहिता को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद 100 दिन के भीतर लागू हो जाएगी, वो आपकी एक कल्पना है, हमने हमारे घोषणा पत्र में 5 साल के घोषणा पत्र में रखा है, उचित समय पर हो जाए। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक्सरे की बात चल रहा है देश में, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें क्या विचार है आपके? देखिए राहुल जी, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गनीमत है कि उनको करने का मौका जनता नहीं देती है और इस बार भी नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद। अब शायद वीडियो ठीक से प्ले हो पाए। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी एसपी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी एसपी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो दोनों वीडियो आपके सामने हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि रिजर्वेशन के बारे में और इस फेक वीडियो के बारे में कांग्रेस जो भ्रांति फैला रही है, वो भ्रांति को निरस्त करने में मीडिया भी अपना सहयोग दे, और आप सभी का इतनी सुबह यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ बोलिए। सर, असम में चुनाव अभी 2 चरण का खत्म हुआ है, 3rd चरण चलेगा, भारी संख्यक माइनॉरिटीज लोगों का ये मतलब सहाय मिल रहा है और नेतृत्व में दिखा जा रहा है, हिमंत बिस्व शर्मा जी भी बहुत ही खास तौर से जगह जगह में माइनॉरिटी एरिया में कैंपेन कर रहे हैं और मुस्लिम का भारी तरफ से सपोर्ट मिले, इसका कारण क्या है? देखिए, हम कभी वोटर को माइनॉरिटी मेजोरिटी की दृष्टि से नहीं देखते, हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। परंतु मैं इतना जरूर कह देता हूं, आसाम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, ये तय है, हमारी पार्टी इसके लिए विश्वास व्यक्त करती है, कम से कम 12 से आगे भी जा सकती। सर, असम की कहीं कंस्टिट्यूएंसी में आपने भी प्रसार में भाग लिया, कैसा देख रहे हैं आपके हिसाब से? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ, जो शांति मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रस्तापित हुई है, जो विकास का वातावरण मिला है, सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ आने से यहाँ के यूथ में काफी उत्साह। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने पूरे आसाम में मोदी जी की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है, ढेर सारे भूमि कब्जा के केसों को रिजॉल्व किया है और आज आसाम की जनता इसके कारण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आसाम में हम गत समय की हमारी सीटों में भी बढ़ोतरी करेंगे, हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, 12 से आगे भी जा सकते। अमित भाई, आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं और आपकी पार्टी लगातार कह रही कि कांग्रेस है वो अपीसमेंट करे, आपने उसके मैनिफेस्टो को भी जिक्र किया, पर विपक्ष के कई नेताओं का ये कहना है कि आप भी तो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा, हमने हमारे समय में राम मंदिर बना वो बता रहे हैं और उन्होंने
प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया माइनॉरिटी वोट के डर से, वो बता रहे हैं। वोट देने का काम जनता को करना है। हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कानूनी तरीके से राम मंदिर बनाएगी, वो 89 से हम 85 से कह रहे, आज से नहीं कह रहे। और राम की ही कृपा है कि अब घोषणा पत्र में रखने की जरूरत नहीं है, मंदिर बन चुका है। अमित जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आप उनके बढ़ने की दुआ कर रहे हैं और केजरीवाल की पत्नी कह रही हैं कि जेल में बीजेपी उनके पति को मारने की कोशिश कर रही है। चलिए, ऐसी चीजें आपके अलावा शायद देश में कोई नहीं मानता। जेल उनके पास है, जेल दिल्ली सरकार आपकी है, आप पार्टी के पास है, जेल का प्रशासन हमारे पास नहीं है। अब उनकी ही सरकार उनको मारने की कोशिश कर रही है तो उनको ही चिंता करनी चाहिए। फिर भी मुझे लिख कर कुछ भेजेगी तो हम कदम जरूर उठाएंगे। धन्यवाद अमित जी। लास्ट अजमी आखिरी सवाल आसाम से ही है कि आप लोग कह रहे हैं कि इस बार वोटों में इजाफा हुआ है, वोट सीट का व्यवधान बढ़ेगा इस बार आसाम में, तो ये लोगों का कांग्रेस के प्रति मतलब खफा कांग्रेस के प्रति है, इसीलिए आपके तरफ रुझाव है या आपके कामों के? हमें नेगेटिव वोट नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार और हेमंत विश्व शर्मा सरकार के अच्छे कामों के कारण एक मजबूत पॉजिटिव वोट बैंक आसाम में जनरेट हुई है। हमारा पॉजिटिव वोट मिला, सकारात्मक वोट मिला। चलो भैया, हो गया, चलो, धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद है जहां पर प्रेस वार्ता करते हुए नजर आया। और दरअसल आज की जो ये प्रेस वार्ता थी वो थी एक फेक वीडियो के मामले को लेकर जो अमित शाह का सामने आया था, और अब इस फेक वीडियो को लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए अमित शाह नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है ये गलत बात फैला रही है कि 400 पार करने के बाद हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, बल्कि हमने पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल धारा 370 को हटाने के लिए किया, 3 तलाक को खत्म करने के लिए किया है। भारतीय जनता पार्टी SC ST और OBC आरक्षण के समर्थन में है। हाँ, इस आरक्षण पे अगर किसी ने डाका डाला है तो वो है कांग्रेस। मुसलमानों को आरक्षण देने की वजह से OBC का जो आरक्षण है वो कटा है, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। साथ ही इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मेरा और कुछ बीजेपी नेताओं का फेक वीडियो बनाकर फॉरवर्ड किया है और ये कृत्य उनकी हताशा को दिखाता है। फर्जी तरीके से जनसमर्थन हासिल करने का ये प्रयास बेहद ही निंदनीय है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। जो ये तो जो फेक वीडियो सामने आया था उस पर हालांकि FIR भी दर्ज की गई है और दिल्ली पुलिस लगातार उस पर पूछताछ भी कर रही है। तेलंगाना में भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की गई। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका